भाई कहाँ है अज्जू? भाई कहाँ है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। आज हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एक पार्क से। लोकेशन कितनी अच्छी आ रखी है, ग्रीनरी है चारों तरफ। और पहले कुछ टाइम पहले हम यहाँ पे रनिंग करते थे, अब तो ये रोड वगैरह नई बन गई है, पहले कच्चा था यहाँ पे जब हम रनिंग करते थे। मिलाने वाले हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर से, हम जा रहे हैं गुड़गांव घाटा अज्जू 0008 से मिलने के लिए। अब देखते हैं वो वहाँ मिलते हैं या कहीं बाहर हैं, देखते हैं, वेट करेंगे उनका। वहीं जा रहे हैं हम, घाटा जा रहे हैं, घाटा जाके आपसे मिलते हैं। और चलो हमारे साथ है अल्ताफ। चलो, और ये जो पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं, पहले इन पे हम बहुत चढ़ते थे जब हम यहाँ रनिंग करने आते थे, तो इन पे बहुत चढ़े हैं पहाड़ियों पे हम। ये रखा हमारा सामान, एक बैग है, दो हेलमेट हैं, इन्हें हम लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। ले ले भाई अल्ताफ इन्हें, भाई देख रहे हो, आए एक हेलमेट दे दे मेरे को, ये हेलमेट दे दे मेरे को भाई, राइडिंग करेंगे भाई। क्या पीछे रहूँगा, कैमरा शूट करूँगा भाई। क्या क्या करना पड़ रहा है यूट्यूबर बनने के लिए, ये देख लो भाई। आपको हमारी बाइक कितनी होगी, इस पर हम राइड करने वाले हैं। बाइक भी घनी तकड़ी है हमारी, पैशन प्रो। तो इस बाइक से हम जाने वाले हैं गुड़गांव घाटा। ये देख लो बाइक हमारी, हमारा साधन देख लो, इस पर हम जाने वाले हैं। तो भाई हम निकल चुके हैं यहाँ से और अब ने रूट देखा है छतरपुर से होते हुए जाएगा, बाकी आगे देखते हैं आपको बता देंगे। अभी तो हमने जीतिया हॉस्पिटल के आसपास हैं और यहाँ से निकल चुके हैं। अभी देख अभी जा तो रहे हैं, लेकिन देखते हैं अब भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी देखना पड़ेगा ना। अभी कहीं बाहर गए होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी मैंने उनकी वीडियो देखी थी, बाहर तो नहीं है, वो हैं तो यहीं गुड़गांव में ही। बाकी बस ये है कि मिल जाए एक बार वो, हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है रेड लाइट से। और ये आ गए हम संगम विहार, संगम विहार के बस स्टॉप पे पहुँचने वाले हैं हम गाइस। बाकी आपको आप एक बार ये जरूर बता देना कि आपको आवाज़ कैसी आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही नए वाले माइक से। बाकी आवाज़ का जरूर बता देना क्योंकि आवाज़ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, वॉइस आपको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम थके पहुँचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है क्योंकि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है रोड पे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, शायद यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि एक तो रोड इतनी वो है नैरो और ऊपर से ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे मेट्रो वेट्रो का काम चल रहा है ना, इसलिए और ये बस वाला सिस्टम मेरे समझ नहीं आता है, बस वाले कहीं भी रोक के खड़े हो जाते हैं। हमें लेफ्ट साइड जाना है गाइस, हम लाठसराय पे पहुँच चुके हैं और हम सामने सामने देख सकते हैं कुतुब मीनार, जो कि अभी आपको दिखाई नहीं देगा, अभी दिखाई देगा, रुको थोड़ी देर में। बाकी यहाँ फिर से रेड लाइट है, अभी अभी हम गाइस कुतुब मीनार बस रोड के पास पहुँच गए हैं, तो यहाँ से पता नहीं कितना दूर है लेकिन दूर है। अभी हम घिटौरनी से आगे निकल चुके हैं और अभी भी एक कितना टाइम दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है गाइस 11 किलोमीटर और दिखा रहा है यहाँ से घिटौरनी से। और अभी चलने देखो अभी 11 किलोमीटर यानी कम से कम 18 से 20 मिनट और लगेंगे अभी घाटा पहुँचने में, तो वहाँ पहुँच के आप दिखाते हैं क्या सिस्टम है क्या। गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं घाटा गाँव, ये घाटा का बोर्ड दिखा रहा है, अब हमें यहाँ से राइट लेना है और यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, अब हमें यहाँ से ढूंढना पड़ेगा घर, ये घर कौन सा है। बाकी ये सारी लोकेशन तो अज्जू भाई की वीडियो में आती रहती है, ये यहाँ से वो गाड़ी लेके जाते हैं, तो ये तो मैंने देख रखे नीचे वो लेके जाते हैं। बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है, कहाँ है घर, एक्चुअली हम पहली बार आ रहे हैं ना, तो ये है कि घर ढूंढना पड़ेगा हमें। तो गाइस फाइनली हम घाटा गाँव पहुँच चुके हैं, अब बस यहाँ अज्जू भाई का घर देखना है हमें, घर कौन सा है, बाकी घर ढूंढना पड़ेगा हमें। बाकी गाँव तो ये देख लो, गाँव तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, किसी से पूछा हमने कंफर्म करा कि यही है घाटा गाँव, बाकी घर देखते हैं अभी, ढूंढना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा शायद हमें, और अंदर जाके हम बुलाते हैं। बाकी आँख एकदम लाल हो गई है बाइक चलाने से,
50 किलोमीटर बाइक चला के आए हैं हम। और चलो पहले तो अज्जू भाई का घर देखते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलवाते हैं। गाइस अभी हमने यहाँ पे एड्रेस पूछा है किसी भाई से, तो हम क्या कि थोड़ा आगे आ गए, हमें वापस जाना है। तो उन्होंने बताया कि उनके घर के पास में कोई पीर बाबा करके मंदिर कुछ है, तो वहाँ जाना है हमें। वहाँ जाके उनके उसके आसपास ही उनका घर है, आपको पता लग जाएगा, नहीं तो हम किसी से पूछ लेंगे आगे। और आगे से एक कट है, रुको, ये आगे से कट है भाई। भाई कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ रहा है यार हमें अभी भाई के घर जाने के लिए। अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है, चला बैठ। गाइस हम यहाँ रास्ता उनका घर ढूंढ रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा है काफी टाइम से। बाकी हम ये ऐसे रास्ते सुनसान यहाँ कुछ नहीं है। बाकी एक साइकिल वाले भैया दिखे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये जानते हैं कि नहीं जानते, पूछते हैं उनके। अज्जू 0008 का घर कौन सा है, ध्यान है आपको? घाटा गाँव कौन सा? घाटा गाँव। गाइस उनके साइड आ गए, हम जा रहे हैं वापिस। ये बोलने की एक हमारे भाई का, अच्छा दिख गया दिख गया, वो देखा था, वो एक प्लेग्राउंड से दिख रहा है, वो उनके घर के बगल पीछे था, इतना मुझे ध्यान है, उनकी वीडियो में मैंने देखा है। बाकी इधर आसपास उनका घर होना चाहिए। भाई भाई कहाँ हैं अज्जू भाई, कहाँ हैं? घूमने गए, कहाँ बाहर गए वे? ओ तो आएंगे नहीं क्या? अच्छा अच्छा गाइस हमारे साथ एक बहुत बैंकर बेटी हो गई है। रास्ता ढूंढते ढूंढते तो हम अज्जू भाई के घर तक पहुंचे हैं। यहाँ आके पता लगा कि अज्जू भाई है नहीं, अज्जू भाई गए हैं ट्रिप पे, उन्हें लगेगा 4-5 दिन वापस आने में। तो ये तो हमारा कट गया बुरी तरह से, अज्जू भाई मिले नहीं। बाकी हम अज्जू भाई के घर के जस्ट सामने खड़े हैं, या आप ये तालाब भी देख सकते हो जो अज्जू भाई की वीडियो में आता रहता है। बाकी आपको घर भी दिखाते थे, घर दिखा दे अल्ताफ एक बार अज्जू भाई का, देख लो गाइस अज्जू भाई का घर है ये, जहाँ से वो अपनी वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। और बाहर प्लेट भी लगी है क्या है, और वो जो गाड़ी वो जो स्कॉर्पियो खड़ी रहती है ना, स्कॉर्पियो भी दिखा दे भाई। ये खड़ी स्कॉर्पियो यहाँ बैठे रहते हैं इस कोने पे, मैं देखता हूँ कई बार जो भी मिलने आता है ना हमें नहीं मिले कहीं भी। और उनका वो रहा वो डॉगी जो वीडियो में आता रहता है, पिटबुल नहीं है, पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम तो है तो ध्यान नहीं है अभी मेरे। बट गाइस हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। हम आपको अज्जू भाई से मिलवाना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे है नहीं, वो अभी ट्रिप पे गए हैं। हमने अंदर पूछा था तो बोलने की अभी है नहीं, वो 4-5 दिन होने लगेंगे। तो देखते हैं अगर 4-5 दिन या नेक्स्ट संडे को हमारा प्लान बनता है तो हम आएंगे फिर से, या फिर और किसी यूट्यूबर से मिलने का प्लान बनता है तो आपको उनसे मिलवाएंगे। तो अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारा स्ट्रगल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, थैंक यू सो मच।